अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू द इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग स्कूल्स। गाइस, आज के वीडियो में हम इलेक्ट्रिकल सब स्टेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। इलेक्ट्रिकल सब स्टेशन क्या चीज़ है, उसमें क्या कंपोनेंट्स हैं, किस लिए यूज होता है, इसकी कंपोनेंट्स की जो फर्दर डिटेल है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिकल सब स्टेशन। तो गाइस, काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। इंटरव्यू में इसमें से क्वेश्चन, लाजमी क्वेश्चन आ जाते हैं। इलेक्ट्रिकल सब स्टेशन के बारे में डिफरेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसके कंपोनेंट्स के बारे में पूछा जाता है। तो चलिए इस वीडियो की तरफ चलते हैं गाइस। तो फ्रेंड्स, आपके सामने ये सब स्टेशन, इलेक्ट्रिकल सब स्टेशन या फिर सब स्टेशन। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन आप देख सकते हैं, अ सब स्टेशन, सब स्टेशन के बारे में कह रहा है, अ सब स्टेशन इज़ अ पार्ट ऑफ इन इलेक्ट्रिकल जनरेशन ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। सब स्टेशन बेसिकली ये इलेक्ट्रिकल जनरेशन ट्रांसमिशन ए डिस्ट्रीब्यूशन का एक पार्ट है। जब भी हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को जनरेट करते हैं, तो जनरेट करने के बाद हम आगे काफ़ी सब स्टेशन होते हैं, जहाँ से वोल्टेज को स्टेप डाउन किया जाता है या फिर स्टेप अप भी किया जा सकता है सब स्टेशन के थ्रू। तो इलेक्ट्रिकल सब स्टेशन इज़ अ पार्ट ऑफ इन इलेक्ट्रिकल जनरेशन ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, इन तीनों के पार्ट है ये। तो सब स्टेशन इज़ अ, आगे फर्दर आप देख सकते हैं, सब स्टेशन ट्रांसफॉर्म द वोल्टेज फ्रॉम हाई लेवल टू द लो और रिवर्स। तो ये वोल्टेज को हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में या फिर लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में भी ये ट्रांसफॉर्म करता है, तो इसको भी सब स्टेशन कहते हैं। और परफॉर्म एनी सर्वल अदर इम्प्लीमेंटेशन, तो स्विचिंग भी की जा सकती है इसके सब स्टेशन के थ्रू। तो टाइप्स आती हैं इसमें, स्विचिंग सब स्टेशन, ट्रांसफार्मर सब स्टेशन। तो ये डिफरेंट टाइप्स जो है हम नेक्स्ट जो वीडियो उसमें डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में सिर्फ मैंने आपको सब स्टेशन के कंपोनेंट्स के बारे में बताऊंगा, सब स्टेशन की डिटेल बताऊंगा। तो डेफिनेशन गाइस आपने देख ली है। नेक्स्ट हमारे पास जो सब स्टेशन के जो कंपोनेंट्स हैं, जो उसके एलिमेंट्स हैं, उनको देख लेते हैं। तो एलिमेंट्स ऑफ सब स्टेशन, इसकी कंप्लीट डायग्राम भी मैं आपको बताऊँगा तमाम एलिमेंट्स की। तो सबसे पहले हमारे पास प्राइमरी लाइन्स होती हैं, ये भी डायग्राम में शो होगा। साइड बी जो हमारे पास सेकेंडरी लाइन्स, उसके बाद हमारे पास जो है नंबर टू पे हमारे पास ग्राउंड वायर्स, ओवरहेड लाइंस, ट्रांसफार्मर फॉर द मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक वोल्टेज, डिस्कनेक्ट स्विच, इसको आइसोलेटर भी कहा जाता है। डिस्कनेक्ट स्विच जो होता है इसको आइसोलेटर, ये भी इसके बारे में भी एग्जाम में क्वेश्चन कहते हैं। सर्किट को बेसिकली लाइन को डिस्कनेक्ट और कनेक्ट करने के लिए हम इसको आइसोलेटर को इस्तेमाल करते हैं अंडर नो लोड कंडीशन में, ये स्कूल में भी इसके बारे में आ जाता है। उसके बाद सर्किट ब्रेकर, इसमें SF6 सर्किट ब्रेकर, ऑयल सर्किट ब्रेकर, वैक्यूम सर्किट ब्रेकर, एयर सर्किट ब्रेकर, तो काफ़ी सर्किट ब्रेकर की टाइप्स हैं वो यूज़ होते हैं। लाइन से पहले हम ट्रांसमिशन लाइन से पहले ये ऑयल सर्किट ब्रेकर या फिर SF6 वैक्यूम सर्किट ब्रेकर, इनका लाइन को प्रोटेक्शन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उसके अलावा जो फर्दर करंट ट्रांसफार्मर, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, लाइटिंग रजिस्टर, इसके बारे में ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, लाइटिंग रजिस्टर के बारे में, CTU PT के बारे में डिस्कस कर चुका हूँ। तो आप हमारी पावर सिस्टम एनालिसिस की प्लेलिस्ट में तमाम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देख सकते हैं जो इंटरव्यू के लिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद कंट्रोल बिल्डिंग, कंट्रोल पे हैं जहाँ पर हमारी मेन बिल्डिंग होती है, जहाँ पे तमाम फीडर वगैरह हमारे सारी कंट्रोलिंग हो रही होती है मेन बिल्डिंग। नंबर 11 सिक्योरिटी से रिलेटेड, जो हमारे प्राइमरी लाइंस सिक्योरिटी फेंस प्राइमरी लाइंस जो पावर लाइन की हम प्रोटेक्शन वगैरह। तो डायग्राम गाइस इन तमाम ये सब स्टेशन के बेसिकली तमाम एलिमेंट्स थे। अब इसकी डायग्राम आप देख सकते हैं, ये आपके सामने है। जो ऊपर मैंने आपको एलिमेंट्स बनवाए थे ये तमाम डायग्राम में मेंशन है। नंबर ए प्राइमरी लाइन्स, उसके बाद बी में सेकेंडरी लाइन्स उसने बताया था। उसके अलावा ये आप देख सकते हैं, ये हमारा ट्रांसमिशन टावर है, यहाँ पर ट्रांसमिशन लाइन जहाँ से आ रही है। तो आगे जो इक्विपमेंट्स की सर्किट, ये हमारे पास सर्किट ब्रेकर हैं ये। तो मल्टीपल कंपोनेंट मैंने आपको बताए थे वो तमाम यहाँ पर मेंशन है, ये आप देख सकते हैं गाइस। तो सबसे पहले मैंने ट्रांसफार्मर की डिटेल कर लेते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर, ये आपके सामने डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर, ये बेसिकली एक ये इलेक्ट्रिकल सब स्टेशन का एक पार्ट है, ट्रांसफार्मर या फिर डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर। अ सब स्टेशन में इंक्लूड ट्रांसफार्म टू चेंज द वोल्टेज लेवल बिटवीन द हाई ट्रांसमिशन वोल्टेज एंड लो ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन वोल्टेजेस आर एट इंटरकनेक्शन टू डिफरेंट ट्रांसमिशन वोल्टेजेस। तो ट्रांसफार्मर को वोल्टेज को हाई या लो करने के लिए हम पावर ट्रांसफार्मर के डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल किया जाता है। डिपेंड करता है कि हम वोल्टेज को हाई कर रहे हैं या फिर लो कर रहे हैं, तो ये ट्रांसफार्मर के कनेक्शन के ऊपर डिपेंड करता है। जो कायल्स कनेक्शन होती है वाइंडिंग में उसके ऊपर डिपेंड करता है ये सब कुछ। तो पावर ट्रांसफार्मर की कायल मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, वो आप देख लें, उसमें से काफ़ी आपको समझ आ जाएगी। तो नेक्स्ट जो उसका कंपोनेंट है आइसोलेटर या डिस्कनेक्ट स्विच, इसको आइसोलेटर भी कहा जाता है।
इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ये आपके सामने गाइस, नेक्स्ट कंपोनेंट यो यो डिस्कनेक्ट स्विच, इसको आइसोलेटर भी कहा जाता है। इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिस्कनेक्टर डिस्कनेक्ट स्विच और आइसोलेटर स्विच, इसको आइसोलेटर स्विच भी कहा जाता है, इज यूज टू इंश्योर डैट इलेक्ट्रिकल सर्किट इज कम्प्लीटली डी एनर्जाइज आर फॉर सर्विस मेंटेनेंस। डिस्कनेक्ट कैन बी ऑपरेटेड अदर मैनुअली ऑटोमेटिकली, इसको मैनुअली और ऑटोमेटिकली भी ऑपरेट किया जाता है। जब भी हमने मेंटेनेंस वगैरह की जाती है तो हम सर्किट को डिस्कनेक्ट कर देते हैं ताकि लाइन में मेंटेनेंस की जाए। तो बेसिकली डिस्कनेक्शन के लिए सर्किट को कनेक्ट या डिस्कनेक्ट करने के लिए हमारे पास आइसोलेटर स्विच यूज होता है। जब भी हमने मेंटेनेंस करनी होती है तो हम इसको डिस्कनेक्ट कर देते हैं और मेंटेनेंस की जाती है लाइन की अंडर नो लोड कंडीशन। तो नेक्स्ट जो पार्ट है इसका सर्किट ब्रेकर, सर्किट ब्रेकर की इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, वो भी आप देख सकते हैं। सर्किट ब्रेकर इज एन ऑटोमेटिकली ऑपरेटेड इलेक्ट्रिकल स्विच डिजाइन टू प्रोटेक्ट द इलेक्ट्रिकल सर्किट फ्रॉम डैमेज ओवरलोड कंडीशन शॉर्ट सर्किट कंडीशन। सर्किट ब्रेकर फंक्शन टू डिटेक्ट द फॉल्ट इन इंटरप्टिंग द कंटिन्यू टू मिटिगेट द डिसकंटिन्यूड द इलेक्ट्रिक फ्लो। तो सर्किट ब्रेकर बेसिकली सारे इस सर्किट को हमारे पास प्रोटेक्शन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो ओवरलोड कंडीशन में शॉर्ट सर्किट कंडीशन में। तो इसमें ट्रांसमिशन लाइन से पहले ऑल सर्किट ब्रेकर ऐसे सर्किट ब्रेकर प्रोटेक्शन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हावी ट्रांसमिशन लाइन होती हैं इसलिए हम उससे पहले लाजमी यूज़ करते हैं ब्रेकर्स को। इसमें डिफरेंट ब्रेकर जो होते हैं ऐसे सिक्स सर्किट ब्रेकर, इसके अलावा वेकम सर्किट ब्रेकर, ऑयल सर्किट ब्रेकर, ये तमाम यूज़ होते हैं। उसकी डिटेल भी आप देख सकेंगे बाद में। नेक्स्ट क्या है हमारे पास लाइटिंग रजिस्टर है। लाइटिंग रजिस्टर के ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, डिटेल में वीडियो बना चुका हूँ, वो आप देख लें आपको समझ आ जाएगी लाइटिंग रजिस्टर की। तीन चार वीडियोज हैं वो आप देख सकते हैं, उसमें टाइप्स भी के बारे में बना चुका, टाइप्स के हैं लाइटिंग रजिस्टर की। लाइटिंग रजिस्टर को भी हमारे पास लाइटिंग सारी वगैरह पड़ती है तो उसको वो डायरेक्टली ग्राउंड कर देता है वो लाइटिंग रजिस्टर जो होता है। सारे रजिस्टर के बारे में तमाम चीज़ें मैं बना चुका हूँ। लाइटिंग रजिस्टर इज अ डिवाइस एन इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम कम्युनिकेशन सिस्टम टू प्रोटेक्ट इंसुलेशन कंडक्टर ऑफ सिस्टम डैमेज इफेक्ट ऑफ लाइटनिंग। टिपिकल रजिस्टर हैज अ हाई वोल्टेज टर्मिनल एंड ग्राउंड टर्मिनल। तो रॉड टाइप रजिस्टर भी यूज होते हैं, रजिस्टर के मल्टीपल टाइप्स हैं वो आप लाइटिंग रजिस्टर की वीडियो में जाके देख सकते हैं पावर सिस्टम एनालिसिस की प्लेलिस्ट में। उसके बाद गाइज सीटी और पीटी, सीटी और पीटी के बारे में। सीटी बेसिकली करंट ट्रांसफार्मर जो हमारे पास, पीटी है पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। सीटी बेसिकली स्टेप अप ट्रांसफार्मर, ये भी एमसीक्यूज में आता है क्योंकि ये करंट की वैल्यू को लो करता है, लेकिन जो हमारे पास जो दूसरी वैल्यू होती है उसके ऊपर वो करंट की वैल्यू को ये स्टेप डाउन करता है, लेकिन जो वोल्टेज को हाई करता है, इसलिए इसको सीटी आर स्टेप अप ट्रांसफार्मर। स्टेप अप ट्रांसफार्मर जो होता है जिसमें वोल्टेज हमारे पास हाई हो रही होती है, सीटी भी वो हाई वोल्टेज को हाई करता है लेकिन करंट की वैल्यू को डाउन करता है वो। तो इसी तरह पोटेंशियल ट्रांसफार्मर ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में करता है। तो सीटीज पीटीज बेसिकली मेजरमेंट पर्पज़ के लिए सीटीज और पीटीज वगैरह को इस्तेमाल किया जाता है। तो इस गाइज प्रेजेंटेशन को मैं अपनी वेबसाइट पर भी अपडेट कर दूंगा, वहां से भी आप देख सकेंगे ये बेसिकली कंपोनेंट्स थे। नेक्स्ट वीडियो में हम सब स्टेशन की टाइप्स के बारे में डिस्कस करेंगे, कौन कौन सी टाइप्स होती हैं, स्विचिंग सब स्टेशन, ट्रांसफार्मर सब स्टेशन, तमाम चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इसके अलावा भी पावर सिस्टम की एनालिसिस के प्लेलिस्ट में जाके हम तमाम मैंने जो वीडियोज़ आपको बताई हैं लाइटिंग रजिस्टर दूसरी तीसरी वीडियोज़ वो आप वहाँ पर मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, वो आप देख सकते हैं। तो जिन फ्रेंड ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोज़ के अपडेट्स आपको टाइम पर मिल सकें। थैंक यू सो मच।